आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाना करोड़ गुना अच्छा है। ध्यानात् नश्यन्ति पापानि, ध्यानात् प्रसीदति हरि ही, ध्यानात् मोक्षं च विन्दति, ध्यानात् सर्वसाधनम्। ध्यान से पाप नाश, मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्रसन्नता और सर्व कार्यों में सफलता मिलती है। उद्दालक जंगल में जाकर ध्यानस्थ हो रहे हैं, उनके भटकते हुए मन को समझा रहे हैं। हे मेरे मन, तू कब तक इधर उधर भागेगा, विषयों में, इंद्रियों में, संसार के भोगों में कब तक भागेगा, भटकेगा? अब तो अंतर्मुख हो जा, इन आंखों को समझाओ कि बाहर का कब तक देखेगी। जिस ईश्वर को देखना चाहिए, हे मेरी आंखें, उन्हें देखो। कानों को भी समझाओ कि बाहर के जगत की तू तू मैं बहुत सुन ली, अब उस ईश्वर की ध्वनि सुनो। ध्यान की गहराइयों में ईश्वर की ध्वनि सुनाई दी। हे वत्स, हे अमृत स्वरूप, तू सत्य का पुजारी बन। एक एक क्षण का सदुपयोग कर, ये देव दुर्लभ मानव जीवन पुण्यों से मिला है और उसमें भी विशेष पुण्य ने जोर मारा कि बुद्धि में विवेक मिला है और उसी विवेक के द्वारा ये समझ में आया है, खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, सुख है तो सुखी, दुख है तो दुखी हो जाना, ये बड़ी बात नहीं। ये स्मरण धर्म शरीर में, जीवन में अजर अमर परमात्मा का ज्ञान होना, और इसलिए फिर सत्संग का और महापुरुषों के संग का महत्व समझ में आया है। अब ईश्वर की ध्वनि ने यह कहा कि हे वत्स, अब ये मानव जीवन सफल करना है। कभी दो पैर वाली माँ, कभी चार पैर वाली, कभी उड़ने वाली, कभी रेंगने वाली माँ बहुत मिली, बहुत कष्ट सहे, बड़े दुख सहे, बहुत आंसू बहाए, लेकिन अब सब दुखों से मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति करनी है। हे अमृत रूप, हे वत्स, हे शिष्य,
गुरुदेव की अंतरध्वनि सुनाई दे रही थी। मैं ध्यान कर रहा था, मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुदेव प्रत्यक्ष मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनके चरणारविंदों की तरफ देखता चला जा रहा हूं। मुझे याद आया श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। क्या मुझे भी वह दिव्य दृष्टि मिलेगी जैसा रामचरितमानस में कहा है? मेरी दृष्टि गुरु के चरणारविंदों पर अटक गई। मैं नतमस्तक हुआ। गुरु की कृपामय प्रेममय अलौकिक दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही थी। वह एक एक क्षण हे वत्स, हे शिष्य, डर मत, मेरी कृपा तुझे इस भव सागर से पार कर देगी। जो जाको शरणों गहे ताको ताकी लाज, प्रेम और विश्वास की मूर्ति बन अनन्य और अथाह श्रद्धा अपने अंतःकरण में विकसित कर। सेवा और त्याग से अपने अंतःकरण का शोधन कर। मेरा ज्ञान तुझे जीते जी मुक्ति का अनुभव कराने में सक्षम और समर्थ है। हे शिष्य, माया और मोह से इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस आत्मज्ञान के सिवा कोई उपाय नहीं है। तेरे पूर्वजों का कोई भाग्य रहा होगा, तेरा कोई सत्कर्म रहा होगा, तेरे किसी पुण्य ने चोट मारा होगा जो तेरे मन में इस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है। वास्तव में तू धन्य है, तेरी माता धन्य है, तेरे पिता धन्य है, तेरा वंश और गोत्र धन्य है। लोग भले भगवान को मंदिरों में ढूंढते, तीर्थों में ढूंढते, मठों में ढूंढते, उन ढूंढने वालों को ढूंढने दो, पर विश्वास रख वो ही जगत नियता सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, चलाने वाला और संहार करने वाला, जिसे लोग राम के नाम से जानते हैं, जिसे लोग भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं, जिसे शिव के नाम से जानते हैं, जिसे भगवान श्री हरि, विष्णु, नारायण के नाम से जानते हैं, वही का वही परब्रह्म परमात्मा तेरे अंतःकरण में प्रकट हो सकता है। शिष्य तू श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ये ज्ञान श्रद्धालु को प्राप्त होता है। तत्परता को जागृत कर, जितेंद्रिय हो, इंद्रियों के और विषयों के बहकावे में आकर न जाने कितने
कितने कितने जन्म बर्बाद हो गए, कितने जन्मों की आहुतियां हो गई, हजार हजार बार ठोकरें खाई, धोखे और विश्वासघात से भरा हुआ संसार, लोग इसमें सुख ढूंढते हैं, बड़े नासमझ और नादान हैं, विश्वासघात और धोखे से भरे हुए संसार में, दुख और कष्टों से भरे हुए संसार में सुख ढूंढते हैं। भला कोई अजगर का सिरहाना बना के सुख की नींद सो सकता है? अंदर से तो भूख और बाहर से कोई पेट पे खीर का लेप करे तो क्या पेट भर सकता है? ऐसे ही इस नश्वर शरीर और संसार में कोई सुख ढूंढे तो मिल सकता है? अज्ञान के आवरण से जिसकी बुद्धि आच्छादित है, मोहरूपी मदिरा पीकर जो उन्मत्त हो रहा है, ऐसे संसार के जीव इस जगत में ही सुख ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं। जन्म यूं ही बीत जाता है,